आप में से बहुत सारे लोग नया फ़ोन लेने के बारे में सोच रहे होंगे या फिर बहुत सारे लोग फ़ोन परचेस किए होंगे, तो एक बात समझ लीजिए कि आप कोई भी फ़ोन परचेस करने के वक्त आप अपनी फ़ोन में क्या क्या लेना पसंद करते हैं। एक हाई स्पीड प्रोसेसर, बैटरी बैकअप और फ़ोन का साइज़, तो इस सब में एक मेन पार्ट आता है, वो है डिस्प्ले। आप में से बहुत सारे व्यूअर्स जब फ़ोन लेने जाते हैं तो डिस्प्ले के बारे में कोई कुछ नहीं सोचता कि फ़ोन का बैटरी अच्छा है, कैमरा अच्छा है, बैकअप अच्छा दे देता है तो आप फ़ोन बेस्ट है। तो ये बात नहीं है व्यूअर्स, तो होता क्या है कि डिस्प्ले एक बहुत पावरफुल ऐसा एक सिस्टम है जो आपकी कोई भी इमेज को क्लैरिटी के साथ दिखा सकता है। तो डिस्प्ले अगर अच्छा नहीं हो तो कोई भी फ़ोन आप यूज़ करके ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। तो व्यूअर्स आज हम बात करेंगे डिस्प्ले के ऊपर। तो डिस्प्ले की टाइप्स और PPI, डिस्प्ले कैसे डिपेंड करता है। डिस्प्ले होता है स्क्रीन, डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर और PPI के ऊपर। तो PPI के बारे में आज हम बात नहीं करेंगे, PPI के लिए आपको अलग से वीडियो देखना पड़ेगा क्योंकि PPI बहुत बड़ा है, उसे समझाने के लिए मुझे एक अलग सा वीडियो चाहिए होगा। तो आज हम बात करेंगे स्क्रीन टाइप्स के ऊपर। तो व्यूअर्स, स्क्रीन टाइप, आप में से बहुत सारे यूज़र ऐसे हैं जो फ़ोन यूज़ करते हैं या फिर कोई भी TV देखते हैं, तो उनमें से ज़्यादातर आप लोग देखते हैं LCD। आप LCD के बारे में तो आप लोगों में से ज़्यादा चर्चा ही होता है या फिर आप लोग जानते हैं। तो LCD क्या है? LCD होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो LCD ये है कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे LCD डिस्प्ले को आप कैसे यूज़ में लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि पहले के वक्त पे आप लोग जो यूज़ करते थे वो ट्विस्टेड नेमेटिक पैनल होता है। ट्विस्टेड नेमेटिक पैनल के पहले आपको मिलती थी डेस्कटॉप पे या फिर कोई सस्ती सी एंड्रॉयड फ़ोन में। तो जो सस्ती सी एंड्रॉयड फ़ोन में आप लोग यूज़ करते थे तो ट्विस्टेड नेमेटिक पैनल है, तो वो एकदम बेकार है। तो वो अगर आपको किसी फ़ोन में या फिर आज के ज़माने में किसी फ़ोन में मिलता है तो आप मत लीजिए, क्योंकि वो फ़ोन आपके लिए अच्छी साबित नहीं होगा और आप उसका डिस्प्ले एकदम बेकार है, उससे आप यूज़ नहीं कर पाएंगे, आपकी आंखों के लिए भी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे LCD के ऊपर। तो LCD में कितना टाइप्स होता है? एक होता है TFT सुपर LCD और एक होता है IPS। तो TFT क्या है इसके बारे में आज हम जानेंगे और इस वीडियो पे। तो TFT है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। तो TFT होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। दोस्तों, ये अब आज के ज़माने में कुछ कुछ फ़ोन में आपको दिखने को मिल जाएगा कि थिन फिल्म ट्रांजिस्टर जो है, तो ये इस जब वक्त के साथ साथ जितना बदलता गया, तो पहले आया था TFT, फिर आया था IPS, उसके बाद आया था सुपर LCD। तो TFT में दोस्तों, जो पहले के ज़माने में TFT आया था, तो TFT में क्या होता है कि TFT में जो आपका जो सिस्टम है, वो जो डिस्प्ले है आपको, तो वो आपको एक्यूरेसी जो कलर है वो नेचुरल कलर आपको नहीं दिखाता और वाइड एंगल बहुत अच्छा नहीं है। आप करीब ज़्यादातर देखेंगे तो आपका वाइड एंगल जो देखेंगे तो वाइड एंगल में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप लोग में से कुछ लोग जानते हैं या फिर बहुत सारे लोग नहीं जानते कि वाइड एंगल होता क्या है। तो दोस्तों, इसके लिए मुझे दिखाना पड़ेगा। जो ये जो फ़ोन है, आप देख सकते हैं ये जो फ़ोन है उससे ऐसे पकड़ने से आप जितना लगभग जैसे देख सकते हैं, मान लीजिए ऐसे मैं देख सकता हूँ, तो ऐसे एक एंगल होता है, तो वो हमारी आँखों के साथ जो एंगल होता है वो उससे कहते हैं वाइड एंगल, कि हम कितने एंगल से वो फ़ोन को क्लियरली उसकी डिस्प्ले को देख सकते हैं। तो करीब मेरा फ़ोन 178 डिग्री तक देखने को मिल जाता है। तो 180 डिग्री तो आपको कोई भी फ़ोन में नहीं मिलेगा। अब जो TFT डिस्प्ले है वो ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है, ज़्यादा पावर लेता है, इसीलिए आपको आपका फ़ोन ज़्यादा चार्ज नहीं रहता है, क्योंकि आप ज़्यादातर डिस्प्ले के ऊपर ही कोई भी टचिंग करते हैं या फिर कोई भी काम यूज़ करते हैं, तो इसलिए TFT में ज़्यादातर पावर कंज्यूम नहीं होता, पावर खींच लेता है, इसलिए आपको बैटरी बैकअप अच्छी नहीं रहती। अब बात करेंगे हम IPS के बारे में। तो IPS क्या है? इन प्लेन स्विचिंग डिस्प्ले। तो इन प्लेन स्विचिंग डिस्प्ले क्या होता है? ये ज़्यादातर आपको अब LCD डिस्प्ले में आपको सबसे बेहतर डिस्प्ले मिलेगा IPS डिस्प्ले। तो IPS डिस्प्ले में आपको वाइड एंगल 178 डिग्री तक आप देख सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि ये जो फ़ोन है, मेरा फ़ोन 178 डिग्री, यानी ऐसे मैं पकड़ूँ तो ऐसे मैं देख सकता हूँ, यानी इसका जो
TFT है तो ये IPS है, तो उनका IPS है 178 डिग्री, तो ऐसे कि मैं देख सकता हूँ। तो अब ये जो IPS डिस्प्ले है, तो IPS डिस्प्ले में आपको वाइड एंगल अच्छा मिलता है, एकदम नेचुरल कलर मिलता है आपको, कोई भी पिक्चर में कोई अलग सा कलर नहीं मिलता। और एक मिलता है कि आपको पावर कंज्यूम बहुत कम करते हैं, यानी आपका जो बैटरी चार्ज वो लंबी देर तक बैकअप दे सकते हैं, क्योंकि वो जो IPS है उससे बनाया गया था, पावर कंज्यूम कम हो या फिर कोई भी सिस्टमेटी का अपग्रेड वर्शन है, TFT का अपग्रेड वर्शन। तो उसके बाद निकला था कि सुपर LCD। सुपर LCD क्या है दोस्तों, ये ऐसे ही एक सिस्टम ने IPS के बाद निकाला था, लेकिन वो मार्केट में चला नहीं, क्योंकि उसका वाइड एंगल भी अच्छा नहीं था, पावर भी बहुत लेता था, इसीलिए वो मार्केट में नहीं चला। अब IPS के बाद हम बात करेंगे, IPS में सब अच्छा नहीं है। तो दोस्तों IPS में आपको एक प्रॉब्लम हो सकती है कि IPS जो आप यूज़ करते हैं तो उसमें ब्लैक छोड़ के सब कलर नेचुरल मिलेगा, क्योंकि ब्लैक एकदम ब्लैक आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके नीचे जो जो हमारा IPS डिस्प्ले है उसके नीचे एक टोटल एक प्लेट में एक ही बैक लाइट मिलता है। जब ब्लैक लाइट ओपन होता है तब आपको डिस्प्ले का कलर मिलता है, तो जब कलर मिलता है तो जो ब्लैक आप देखना चाहते हैं तो वो ब्लैक क्लियरली आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि आप लोगों ने बहुत सारे व्यूअर्स सुने होंगे कि अब हम बात करेंगे OLED डिस्प्ले के बारे में, जिससे आप लोग ज़्यादातर जानते हैं AMOLED डिस्प्ले, AMOLED डिस्प्ले। तो दोस्तों ये जो AMOLED डिस्प्ले है, तो इस AMOLED डिस्प्ले के अंदर आपको क्या क्या फंक्शन और फैसिलिटी मिलता है, तो इस बारे में आज हम बात करेंगे। तो AMOLED जो डिस्प्ले है उसमें आपको मिलता है एकदम नेचुरल कलर नहीं मिलता। आप लोग सोच रहे हैं कि मैं बोलूँगा कि नेचुरल कलर मिलता है, नहीं दोस्तों, AMOLED डिस्प्ले आँखों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आँखों में वो ज़्यादा कलर रिप्रोडक्शन दिखाता है, लेकिन वो डिस्प्ले नेचुरल नहीं है। लेकिन उनमें एक सिस्टम है कि वो जो ब्लैक है वो ब्लैक एकदम एक्यूरेसी ब्लैक है। जैसे कि मैं बता देता हूँ, मैंने जो बताया IPS LCD, IPS जो डिस्प्ले है LCD, उनमें क्या होता है, एक बैक लाइट होता है वो हर वक्त ऑन रहता है। आप जब फ़ोन को ऑन करते हैं तब आपको जो ब्लैक दिखाना है तो उसके पीछे वो ब्लैक दिखाता है, लेकिन LCD डिस्प्ले के बैक लाइट की वजह से वो 100% प्योरिटी ब्लैक नहीं होता। बट आपका जो OLED डिस्प्ले है, तो OLED डिस्प्ले में क्या होता है, उनका पूरा ट्रांजिस्टर में अलग अलग बैक लाइट होता है। तो आप जब भी कोई ओपन करना चाहते हैं, मान लीजिए आप एक ब्लैक वॉलपेपर लगाना चाहते हैं, तो ब्लैक वॉलपेपर में वो कैसे काम करेगा ये मैं समझा देता हूँ। ब्लैक वॉलपेपर में वो ओपन होगा, ओपन होने के साथ साथ जितनी जगह पे ब्लैक है वो ब्लैक को वहाँ का ट्रांजिस्टर उसका बैक लाइट ऑन ही नहीं करेगा। अब ऑन ही, जब लाइट ही ऑन नहीं होगा तो उससे ज़्यादा ब्लैक और क्या हो सकता है, तो उसमें आपको 100% प्योरिटी ब्लैक देखने को मिलेगा, और इसलिए आपको ब्लैक देख सकते हैं। और इसका वाइड एंगल बहुत अच्छा है, 178 डिग्री तक ये भी चल जाता है, और इसमें आपको मैंने तो बता ही दिया कि आँखों के लिए बहुत अच्छा है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि IPS आपको लेना चाहिए या फिर OLED डिस्प्ले लेना चाहिए। तो दोस्तों इस बारे में हम बात करने से पहले हमें कुछ डिफरेंस को बता देना चाहिए। जैसे कि मैं बता देता हूँ सनलाइट में, अब सनलाइट पे आप लोग जाते हैं तो सनलाइट पे आपका कौन सा डिस्प्ले अच्छी तरीके से काम करेगा, तो दोस्तों अब जो काम करेगा वो है IPS LCD डिस्प्ले वर्सेस OLED डिस्प्ले। अब IPS LCD डिस्प्ले में आपको टोटल जो व्यू पॉइंट है वो एक बैक लाइट होता है, बैक लाइट के ऊपर होता है, इसलिए आपको जो लाइटिंग है तो उसमें आपको LCD डिस्प्ले में बेहतर मिलेगा। सनलाइट में आप अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, लेकिन OLED में जब आपको कोई ब्लैक वॉलपेपर या फिर कुछ भी मान लीजिए जो एक एक बैक लाइट है, इसलिए आपको अच्छी तरीके से OLED डिस्प्ले सनलाइट में आप यू वर्क नहीं कर सकते। आप अगर आपका ब्राइटनेस ज़्यादा कर देते हैं तो आप कम में ले सकते हैं, बट वो सनलाइट में ज़्यादातर वर्क नहीं करता। अब सनलाइट में जब वर्क नहीं करेगा तो आपको तो प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर इंसान को ये प्रॉब्लम नहीं होता। तो अब बात करते हैं कि दोनों दोनों ही अच्छा है, लेकिन आपको जो लेना है तो आपकी बजट के हिसाब से कौन से लेना चाहिए। तो व्यूअर्स मैं ये बताना चाहता हूँ कि OLED डिस्प्ले का जो प्राइस है वो IPS से कुछ ज़्यादा है, तो अगर आप ले सकते हैं तो
ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आप ओलेड भी ले सकते हैं, आईपीएस भी ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी महंगे फ़ोन में आईपीएस डिस्प्ले भी मिलता है। लेकिन आपको आप कौन से लेना चाहिए आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ओलेड डिस्प्ले आपको पूरा ब्लैक देता है। अब ओलेड डिस्प्ले में एक ऐसा सिस्टम है कि आप अगर ओलेड डिस्प्ले यूज़ करते हैं तो आपका बैटरी कंज्यूम कम करेगा और आपका फ़ोन ज़्यादातर बैटरी बैकअप दे सकता है। तो ओलेड डिस्प्ले में ऐसा एक फैसिलिटी है। अब ओलेड डिस्प्ले बहुत ही थिक और थिन है, बट जो आपका एलसीडी डिस्प्ले है वो आपके बैकलाइट की वजह से ज़्यादा मोटी हो जाती है। तो इससे आपको, अगर आपको थिन फ़ोन लेना है तो आप ओलेड की ओर जा सकते हैं। ओलेड में आपको थिन फ़ोन बहुत ही अच्छी प्राइस में मिल जाएगी। तो व्यूअर्स, ये था ओलेड डिस्प्ले के बारे में और एमोलेड। तो ओलेड का प्राइस आईपीएस एलसीडी से ज़्यादा है, बट अगर आप ले सकते हैं तो दोनों ही अच्छी है। लेकिन आप मार्केट में जाइए, देखिए कि कौन सा आपके लिए बेहतर है, वही लीजिए। मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप टीएफटी डिस्प्ले मत लीजिए, आप एलसीडी या फिर ओलेड ले लीजिए। तो अगर आप नेचुरल देखना चाहते हैं कि आपका फ़ोन में ऐसा कुछ नेचुरल पिक्चर नेचुरल देखना चाहते हैं, कुछ भी नेचुरल देखना चाहते हैं, तो आप एलसीडी ले सकते हैं या फिर ओलेड। ओलेड लेंगे तो आँखों के लिए अच्छे होगा, क्योंकि वो कलर रिप्रोडक्शन ज़्यादा देता है। अब बात करते हैं रेटिना डिस्प्ले के बारे में। तो रेटिना डिस्प्ले के बारे में आप में से बहुत से यूज़र शायद ही जानते होंगे। अब रेटिना डिस्प्ले आईफोन में एक मार्केटिंग टर्म था, क्योंकि जब आईफोन 4S मार्केट में सबसे पहले लॉन्च हुआ था, तब उन्होंने ये रेटिना डिस्प्ले के बारे में बताया था। तब की ज़माने में जो PPI था वो था 326, 326 का PPI था। मैं तो 326 का PPI तब के ज़माने में कोई फ़ोन में नहीं थी, बट अब की 2018 में बहुत सारे फ़ोन हैं जो आपको 326 से बहुत ज़्यादा मिलता है, 400, 420, अब तो 500 से भी ज़्यादा PPI वाला फ़ोन आ गया है। तो रेटिना डिस्प्ले क्या होता है, 326 में जितना फ़ोन है वो सारी रेटिना डिस्प्ले में आता है। तो ये एक मार्केटिंग टर्म था आईफोन के लिए। तो अगर आपको इस बारे में समझ में आता है तो ठीक है, वरना मैं आपको कमेंट सेक्शन में या फिर आपको अलग से समझा सकता हूँ। तो दोस्तों, जो 326 के ऊपर जो PPI आता है वो सारी है सुपर रेटिना डिस्प्ले। तो जो रेटिना डिस्प्ले में आता है PPI 326 वो है आईफोन का, बट आपका मार्केट में 320 के ऊपर बहुत सारे फ़ोन आता है, इसलिए आप कोई भी फ़ोन परचेस कर लीजिए, वो रेटिना डिस्प्ले से बेहतर ही होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी व्यूअर्स, तो प्लीज़ लाइक कीजिए। और आप अगर इस बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको PPI के बारे में अच्छी तरीके से जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसके लिए मैं अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है और भी मेरी कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को देखिए। तो गुड बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पर।